नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हमारे साथ देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम और सिर्फ देश की बात करेंगे। इसका नाम भी हमें रखा है बात अपने देश की, और होनी भी चाहिए क्योंकि देश ही सर्वोपरि होता है, और देश ही अगर सर्वोपरि नहीं होगा तो किसी लोकतंत्र, किसी चुनाव, किसी व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है। इसी देश के लिए ही हमने प्रोग्राम बनाया है, वो बात अपने देश की, और इसकी शुरुआत करते हैं आज उससे बड़े मुद्दे से जिसका लगातार एक साल से प्रभाव पड़ रहा था। लगातार इसकी गड़बड़ियाँ चल रही थी, तमाम विपक्ष का हंगामा था, राजनीति हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में लोग, किसान इसमें मर भी गए, और तमाम राजनीति हुई है इस मुद्दे पर, वो है कृषि कानून। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून ये वो कानून था जिसको केंद्र सरकार लाई थी, पर अब तक इस कानून पे केवल और केवल राजनीति हुई थी, और आखिरी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब वो महोबा झांसी के दौरे पर थे तो इस कानून को उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया, और आज यानी कल इस मुद्दे को शांत कर दिया गया और राज्यसभा और लोकसभा में इस कानून को वापस कर दिया गया। अब केवल राष्ट्रपति की सहमति बाकी है। देखते हैं इस कानून से जुड़ा एक बड़ा पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की भी मोहर लग गई। वहीं विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया, जो ध्वनि मत के साथ पास कर दिया गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द कर दिए जाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, कृषक उपज और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। तीन कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो, कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और MSP को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। वहीं दोनों सदनों में बिना चर्चा के बिल पास होने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर बनी रही। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि MSP लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए। 35,000 किसानों को झूठे केसों में फंसाया गया, उन्हें मुक्त कराने की मांग, और आंदोलन के दौरान मृतक 700 किसानों को मुआवजा देने की मांग पर सदन में चर्चा के लिए मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया। तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के डर से सरकार ने इस कानून को वापस लिया है। सदन की जो कानून है, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग,
तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि जो तीन काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि तीन चार बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो तीन काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून वापसी बिल पर संसद की मोहर लगने के बाद भी किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बिल वापसी का श्रेय आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को दिया। साथ ही कहा कि हम MSP समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे। अरे बीमारी है, MSP की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो MSP पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती, नहीं जाना चाहती? व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हम अभी, ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा? वहीं मॉनसून सत्र में हुए हंगामे का शीतकालीन सत्र में एक्शन हुआ। हंगामा करने वाले 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि ये सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद शामिल हैं। सांसदों को 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया है। ये वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले सत्र में किसान आंदोलन एवं अन्य कई मुद्दों के बहाने संसद के उच्च सदन में खूब हंगामा मचाया था। उस दौरान इन सांसदों ने उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंका था और सदन के कर्मचारियों के सामने रखी टेबल पर चढ़ गए थे। इन सांसदों पर कार्यवाही की मांग की गई थी, जिस पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को फैसला लेना था। आज जब संसद सत्र फिर से शुरू हुआ तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि हंगामे के चलते मॉनसून सत्र में दोनों ही सदन 2 दिन पहले स्थगित कर दिए गए थे। लोकसभा में सिर्फ 21% और राज्यसभा में 28% ही काम हुआ था। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि उन्हें ये धमकी दी गई थी कि OBC बिल, इंश्योरेंस बिल या कोई और बिल भी पास कराने की कोशिश की गई तो अंजाम भुगतना होगा। राज्यसभा में हुए हंगामे पर केंद्र के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और विपक्ष से माफी मांगने को कहा था।
वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को ज्ञापन सौंपा था। इसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि जब इंश्योरेंस बिल पेश किया गया तो सदन में बाहरी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया गया जो सुरक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं थे। विपक्ष ने महिला सदस्यों के साथ बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया था। वहीं राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा गया कि विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर 12 सांसदों के अनुचित और अलोकतांत्रिक निलंबन की निंदा करते हैं। राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेता की मंगलवार को बैठक होगी जिसमें सरकार के सत्तावादी निर्णय का विरोध करने और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए भविष्य की कार्यवाही पर विचार विमर्श किया जाएगा। शीतकालीन सत्र की बात करें तो 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। तो दोस्तों ये हमने देखा कि किस तरह से जब किसी कानून की वापसी की घोषणा हुई थी, जब किसी कानून वापस लिया गया लोकसभा में और राज्यसभा में, तब किस तरह के हंगामे हुए। वो हंगामे हुए जो जिसने संसद की जो एक मर्यादा है उसको तार तार किया। ऐसी ही मर्यादा 11 अगस्त 2021 को तार तार हुई थी जब मानसून सत्र में 12 राज्यसभा सांसदों ने धक्का मुक्की की थी, अभद्रता की थी और इसके चलते उनका निलंबन कर दिया गया था। वो निलंबन कल कर दिया गया था जिसके चलते विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण की बात करते हैं और सबसे पहले आते हैं कृषि कानून पर कि कृषि कानून क्या है। ये कृषि कानून वही कानून है जो कि भारतीय कृषि अधिनियम के तहत किसी विधेयक के रूप में निर्देशित किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। पर जानकारी अगर बात करें कृषि कानून है क्या और किस लिए लागू किए गए थे और कौन कौन से कानून थे, शायद इस बात की जानकारी किसानों को भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, सही तरीके से नहीं हुई, तभी ये लगता है कि इस तरह के हंगामे हुए जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों की जान भी गई, तमाम राजनीति हुई। पर मामला वही हुआ जो विपक्ष चाहता था और किसी कानून को वापस लेने की घोषणा के साथ किसी कानून वापस कर लिया गया राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अब केवल राष्ट्रपति की सहमति बाकी है जो कि जल्दी मिल जाएगी। पर सबसे बड़ी बात है कि कृषि कानून की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आपको बता दूँ कि 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून को लोकसभा में पास कराया गया और उसके बाद 20 सितंबर 2020 को यही कानून राज्यसभा में पास हुआ और 27 सितंबर 2020 को इस कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी और ये लागू कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार 25 नवंबर से किसी कानून के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ जो कि लगातार चल रहा था, अब भी चल रहा है और कानून के वापसी के निर्णय के बाद भी और वापसी के बाद भी अब तक एक आंदोलन लगातार चल रहा है। अब जानते हैं कृषि कानून क्या था, क्या किसानों की मांगें थीं, क्या समस्याएं थीं। तो अब अगर किसी कानूनों की बात करें तो पहला कानून जो था वो था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, यानी कि किसान कहीं भी अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनको मंडी से कर मुक्त कर दिया गया था, कोई समस्या नहीं थी और कहीं भी अपना व्यापार करने के लिए वो स्वतंत्र थे। पर इस कानून को लेकर क्या भ्रांतियां बनाई गई, क्या समस्याएं रही, समझा नहीं पाए या समझ नहीं पाए, अभी भी प्रश्न चिन्ह है। दूसरे कानून की बात करें तो दूसरा कानून सशक्तिकरण और संरक्षण जो कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के 2020 के तहत लागू किया गया था। इस कानून में किसान अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं और एग्रीमेंट कर सकते हैं व्यापारियों के साथ जो कि लाइसेंसधारी हैं, और अगर किसी परिस्थिति में उनकी फसल खराब होती है तो उसका जो मुआवजा है वो भी एग्रीमेंटेड करने वाली कंपनी उनको देगी, किसानों का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। और अगर हम तीसरे अधिनियम की बात करें तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसके तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कोई बात हो सकती है, अन्यथा जो खाद्यान्न हो गया, दाल हो गया, खाद्य तेल हो गया, प्याज हो गया, इन जैसी जो खाद्य की सामग्रियां हैं उनको उनसे ऊपर से स्टॉक लिमिट हटा ली गई थी। पर अगर इन कानून की बात करें तो तीनों कानून का क्या जज्बा रहा, क्या समझा पाए, क्या नहीं समझ पाए, अभी भी एक प्रश्न है। पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस कानून पर जिस तरह की राजनीति हुई वो राजनीति देखने वाली थी और इस कानून पर केवल और केवल राजनीति हो पाई और सत्ता पक्ष लगातार समझाता रहा, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकारों की बात हो, लगातार समझाया गया किसानों को, संगठनों से बात की गई, तमाम समझौते की वार्ता की गई, किसान लगातार डटे रहे। कुछ नेताओं ने इसका लाभ भी उठाया
पर एक चीज समझ में आज भी नहीं आ पाई कि किसी कानूनों से किसानों को नुकसान क्या था, और अगर नुकसान था तो वो क्या नुकसान था वो बता नहीं पाए। अभी भी अगर किसी जो आंदोलन हो रहा है, जिसको लेकर लगातार बैठक हो रही, कहा जा रहा है कि जल्द इस आंदोलन को वापस लिया जाएगा, क्योंकि सरकार किसी कानून को वापस ले चुकी है, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में वापसी हो चुकी है, केवल राष्ट्रपति की सहमति बाकी है, तो देखा जा रहा है कि क्या था। तो अब केवल केवल किसान संगठन बोल रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी दीजिए, हमें कानून, हमें आंदोलन वापस ले लेंगे। पर क्या माना जा सकता है कि ये किसी कानून जो जिस तरह का आंदोलन था केवल महज MSP के लिए था? नहीं, ये महज MSP के लिए नहीं था, कई और मांगे उनकी थी जो कि इस कानून में शामिल नहीं की थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल तक लगातार आंदोलन किया गया, सरकार की तरफ से पेशकश की गई, उस पेशकश के बावजूद सरकार से मिलने लोग गए, पर कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। अब देखते हैं कि इस पूरे किसी कानून पर क्या विपक्ष ने कहा, पूरे सुनते हैं विशेष सुर्खियां। किसानों के हित के लिए काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को यह बता दिया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। विपक्ष ने नकारात्मक रोल अदा करते हुए कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया था। बहुत वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं हुई, हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं किसान भाइयों के साथ, किसान संगठनों के साथ में चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार कुछ किसान भाइयों को गुमराह करता रहा, कुछ संगठन उसमें उन्होंने अपने बनाकर खड़े किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं देश के अंदर, किसानों की आमदनी दुगना करना, किसानों को सहायता राशि देना, उनको सम्मान निधि देना, उनकी बीमा योजनाओं को आगे बढ़ाना, ताकि किसी तरह से भी किसान भाई सुरक्षित हो, संपन्न हो, देश के करोड़ों करोड़ किसानों के लिए समर्पित सरकार आज एक निर्णय लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम उनके साथ में हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद साधुवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद कि जो एक बार किसान नाराज था उसे भी उन्होंने संतुष्ट किया, जो सबका साथ सबका विकास का उनका उद्देश्य उसे पूरा किया। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, कम से कम समय रहते जो हम बार बार, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी बैठक होती थी प्रत्येक बार जरूर उठाता रहा कि किसानों का जो एक बार नाराज है उस पर भी विचार होना चाहिए। नौजवान किसान जो देश के गरीब मजदूर हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है देश को कि जिस तरीके से किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने फैसले लिए, और भी जो मुद्दे हैं दौड़ तो उस पर भी फैसले लेंगे, और 2022 की सरकार बनाने के लिए NDA के साथ 2022 में निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर जितना लक्ष्य निर्धारित किया अब उसे पूरा करने में बहुत आसानी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानुका राजचंद्र जानता हूं कि किसान परेशान है, किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है, इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके। तो आपने देखा ये मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सहयोगी दल के मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, जो किसान नेता हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में जो किसी कानून थे उनसे किसको नुकसान होने वाला था, क्योंकि एक वही किसी कानून थे जिससे सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही थी जो कि किसानों के शायद हित में भी हो सकती थी, पर शायद केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो एक बाधा थी उस पर किसान राजी नहीं हो रहे थे, और इस बाधा के कारण आखिर में इन किसी कानून को वापस ले लिया गया। पर सबसे बड़ी बात आज भी एक है कि आखिर कौन सी वजह ऐसी थी, क्या राजनीति की कमी हो रही थी, विपक्ष को राजनीति का मुद्दा नहीं मिल रहा था, या ऐसी कोई बात थी जिसको छिपाया गया। जाहिर तौर से बात है कि अगर किसी कानून लागू हो जाते तो जो MSP के समर्थन में जो आड़ती और बिचौलिए हैं, जो कि मलाई खाते हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाती, क्योंकि मंडी कर भी मुक्त कर दिया था, और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती थी जो कि किसानों को नुकसान पहुंचाती थी, किसानों को लाभ नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है
कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। वो किसान भी यही चाहते हैं, पर समस्या ये है कि इन किसी कानूनों को किस तरह से प्रदर्शित किया गया। शायद मौके पर सरकार इनको किसी कानून को तरीके समझा नहीं पाई। शायद ऐसा ही कुछ समाधान CA और NRC में भी हो सकता था कि सरकार बेहतर तरीके से इस चीज़ को विज्ञापित करती, समझाती, तो शायद वहाँ भी विरोध प्रदर्शन नहीं होता और लोगों की जान नहीं जाती। पर अब बात अगर किसी कानूनों की पड़े तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कानूनों को बेहतर तरीके से समझाया अगर जाता तो हो सकता कि इस कानून को वापस ना लेना पड़ता। अब देखते हैं इन मुद्दों पर, इस किसी कानून पर विपक्ष की क्या राय रही, देखते हैं कुछ झलकियां। खड़े हैं वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या 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 नहीं बोला, आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार कर किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया, तब आप मोदी जी खामोश थे। और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, एक साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचल कर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया, तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है नरेंद्र मोदी जी। ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। तीनों किसान कानून वापस लेने का फैसला एक किसान आंदोलन के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संघर्ष के लिए, समाजवादियों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने लगातार जो आवाज उठाई, आज एक साल से जो लड़ाई जमीन पे चल रही थी, गांव गांव चल रही थी, घर घर चल रही थी, हर एक किसान के मन में चल रही थी, जो आंदोलन था, जो उद्वेलन था उसके मन का, जिस मजबूरी में उसको डाल दिया गया था, आज उसकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक अहंकारी सरकार का अहंकार टूटने का काम आज हुआ है। आज जो लोग साल भर से सड़क पे बैठे हुए थे वो वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों में जा सकते हैं, अपने परिवारों में जा सकते हैं, उनके सुख दुख में शरीक हो सकते हैं। दोबारा से उस भूमि को, जिसको सरकार ने एक तरीका बना लिया था उस जमीन पे कब्जा करने का, किसान
किसान की जमीन को हड़पने का, किसान को जमीन से बेदखल करने का, किसान को जमीन से निकालने का, उसको पैदल कर देने का, आज उसकी हार हुई है। किसान की एक बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी की संघर्ष की बड़ी जीत है, और मुझे विश्वास है ये आने वाले वक्त में सारे प्रदेशों में और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता मजबूत करेगा, नए दरवाजे खोलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, किसान के खिलाफ है, नौजवान के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है, बच्चे बेटियों के खिलाफ है, किसानों के उद्वेलन का आज प्रतीक बन गई है ये सरकार। पूरी ताकत से सब लोग मिलकर के सरकार बदलने काम करेंगे, 2022 में नई जिम्मेदार सरकार उत्तर प्रदेश। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद हठी और तानाशाही सरकार ने आखिर काले कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। इन काले कृषि कानूनों को किसानों के आंदोलन के, राष्ट्रीय लोकदल के आंदोलन के, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के संघर्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने वापस लिया है। यह किसानों के आंदोलन की जीत है, किसानों के संगठन की जीत है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के संघर्ष की जीत है कि उन्होंने जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें की, किसानों के बीच जा कर के किसानों को जागरूक करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की हठी और तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया, केंद्र की सरकार को इसके साथ ही देश के किसानों से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए जो उन्होंने इतने महीने तक किसानों को उपेक्षित करने का काम किया, किसानों को बैठने तक की जगह नहीं दी। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई, हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन सरकार हारेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 3 कृषि काले कानून वापस लिए हैं, इसमें देश के किसानों को सबसे पहले बधाई, आंदोलन में शहीद सैकड़ों किसानों को नमन, आखिरकार क्रूर सरकार जो किसानों के आगे झुकना ही पड़ा, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, आंदोलनजीवी कहने वाले लोगों की हार हुई। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद चुनावों में अपनी हार को देखते हुए हार की डर से कृषि कानून वापस जो लिया है, अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि जब गरीब सवर्णों को आप 10% आरक्षण 72 घंटे में दे सकते हो तो आपने देखा कि ये विपक्ष की दलीलें थीं जो कृषि कानूनों पर दी गई थीं कि किसी कानून किसी भी सूरत में वापस किया जाए। वो वापस हो भी गया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून का लाभ किसको होना था या नुकसान किसको होना था, वो था किसान। वो किसान जो आज भी तमाम ज़रूरतों के चलते परेशान है, दिक्कतें हैं, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे ज़मीन की बात हो, ऐसी तमाम ज़रूरतें हैं जो किसान की हैं। ये वही किसान है जो देश का अन्नदाता है, देश के लोगों को अन्न मुहैया कराता है। पर जब किसान की बात आती है तो केवल केवल राजनीति होती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस राजनीति में किसानों का फायदा कहां तक हुआ, केवल केवल मौतें हुई, नुकसान हुआ। जो सरकार
लगातार प्रयास कर रही थी वो भी असफल हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन की जो बात जो कानून वापसी हुए हैं, किसान आंदोलन होता रहा, अभी भी चल रहा है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 4 दिसंबर को हम बताएंगे क्या फैसला होगा। सरकार द्वारा हालांकि जो किसान नेता है सतनाम सिंह से बात की गई है, उन्होंने कहा है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसमें वापसी पर फैसला लिया जाएगा। और सरकार द्वारा 5 लोगों का नाम भी मांगा गया है जो बैठक करें और सरकार को बताएं क्या मांगे हैं किसानों की, उस पर विचार करके जल्दी आंदोलन को वापसी किया जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन की वापसी के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या समस्या है किसानों की, समस्या जस की तस है, क्या उनमें लाभ होगा, क्या और कई अधिनियम बनाए जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जाएंगी किसानों को फायदा होगा, यह किसी को नहीं पता। किसी कानून वापसी हुए, संसद में हंगामा हुआ, 12 सांसद निलंबित हुए। ये 12 सांसद हालांकि इस मामले कोई उसका सरोकार नहीं था, क्योंकि वो मानसून सत्र की भेंट चढ़ गए थे, मानसून सत्र में उन्होंने धक्का मुक्की की थी, अभद्रता की थी, उसके कारण जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उनके कहने पर उनके एक जो जांच समिति की रिपोर्ट थी वो रखी थी और शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जो कि तृणमूल कांग्रेस से लगभग 6 थे, कांग्रेस से 2 थे, शिवसेना से 2 थे और एक माकपा और भाकपा से था। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये तो सांसदों के निलंबन की बात रही, जिस तरह से हंगामा इस पूरे मामले में रहा वो वास्तव में विचारणीय है, क्योंकि किसी ने भी ये बात नहीं कही कि किसी कानून क्या थे और क्यों इनको वापस लिया गया, क्या समस्याएं थी। पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए था और सरकार ने पक्ष रखा, वो भी क्या समझ में नहीं आया, किसानों को दिक्कत रही वो भी समझ में नहीं आई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन किसान किसी कानूनों के अलावा भी हम अन्य कोई उपाय कर सकते थे, हम मान सकते थे कि किसी कानूनों को ना लगाया जाए और अन्य ऐसे उपाय किए जाए जिससे किसानों को लाभ मिले। देखा जा सकता है कि अगर अन्य ऐसे कौन से उपाय हैं, अगर किसी किसान चाह रहे थे कि किसी कानून को वापस किया जाए तो वापस कर लेते, पर ऐसे अब भी कई उपाय हैं जिसके माध्यम से हम किसानों का भला कर सकते हैं, उनका लाभ कर सकते हैं। क्या है वो उपाय, क्या किसी चर्चा की? नहीं, कोई चर्चा ही करना नहीं चाहता है, क्योंकि किसान केवल पार्टियों को एक वोट बैंक के रूप में नजर आता है और एक केवल और वो वर्ग नजर आता है जो हमारी वोटिंग करेगा और उसके वोट करने से सरकार बनती है और टूटती है। पर सबसे बड़ी बात यह है, क्या इन मुद्दों को, क्या इन जरूरतों को किसी ने देखा, किसी चर्चा की? नहीं की। सबसे पहली बात अगर करते हैं तो MSP की अगर बात करते, सबसे पहले हमको उन फसलों को बढ़ावा देना चाहिए जिनसे किसानों को लाभ मिले। अगर हम बात करें, केलर में रेशम उगाया जाता है, सुपारी उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में आम उगाया जाता है, अन्य ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि काफ़ी लाभदायक फसल हैं जिससे किसानों को लाभ हो सकता है, उस फसल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जो देश की तमाम जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और जो अनुसंधान केंद्र हैं उनमें भी लगातार कोई शोध नहीं होता है जो किसानों को लाभ पहुँचाए, ये भी अपने आप में विचारणीय बात है। FCI जो FCI बनाई गई है उसका अब तक काम न्यूनतम समर्थन मूल्य का मैनेज करना था, पर FCI को भी बड़ा काम दे सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उनको देखी जा सकती है, व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, भंडारण कराया जा सकता है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से किसानों को लाभ पहुंच सकता है, चाहे वो आयात की बात हो, चाहे निर्यात की बात हो, चाहे लाभदायक फसलों की बात हो, उनको उगाने की बात हो, उनसे अपने लाभ बढ़ाने की बात हो। पर अब तक ऐसी ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ऐसी ज़रूरतों को ध्यान देकर हम किसानों का भला कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, किसानों के कानून पर जो अब तक राजनीति हुई, केवल राजनीति ही होती रही, केवल किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। सरकार इन किसी कानूनों को वापस लेके, अब भी सरकार के पास समय है, सरकार चाहती है अगर चाहे तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू कर सकती है, जो एक कानून के रूप में नहीं एक व्यवस्था के रूप में लागू की जाए जिससे वास्तव में किसानों की जो आय दोगुनी करने की सरकार बात कहती है वो आय दोगुनी हो सके और जो देश का अन्नदाता है उसको लाभ मिल सके। पर सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस कानून पर केवल राजनीति हुई है, चाहे वो सत्ता के पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, केवल केवल बयानबाजी हुई है, पर किसान अब भी भूखा है, किसान अब भी बदहाल है, किसान को अब भी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, वो व्यवस्थाएं लानी पड़ेंगी जिनसे किसानों का वास्तव में भला हो पाए, चाहे वो लाभदायक फसलों की बात हो, चाहे FCI की नीतियों की बात हो, चाहे आयात निर्यात की बात हो, चाहे अनुसंधान की बात हो, चाहे अन्य व्यवस्था की बात हो, जो कि शोध अनुसंधान में सरकार के जो उपक्रम है वो कर सकते हैं, पर ये सब करना होगा।
केवल किसी कानून को लागू करने या वापस करने से किसानों का भला नहीं होने वाला है, भला होगा तो केवल और केवल किसी संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर करने से। हमारे आज जो कार्यक्रम था बात अपने देश की, इसमें हमने उठाया था मुद्दा, वो था कृषि से संबंधित, चाहे वो कृषि कानून हो और चाहे किसी कानून की वापसी हो। अगले बड़े किसी मुद्दे के साथ फिर होगी वापसी, तब तक नमस्कार।